थोड़ा टाकी का आवाज बारीक कर। चरणों में सत सत नमन करता हूँ। 1011वीं जयंती के शुभ अवसर पर यह सम्मेलन रखा गया। राजभर समाज सेवा संघ की तरफ से इसके कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं दूर दराज से आए सभी जाति सुजाति श्रोता बंधु, महाराष्ट्र की पावन पवित्र धरती को नमन करता हूं। आप लोगों का मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहला पुरस्कार सम्मान स्वरूप आदरणीय आप्रम सदस्य सम्मानित हमारे बड़का भैया गुलाब भैया के तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार बा। भैया का पैर छू के पहले की बा आशीर्वाद का मांगना बा। सम्मानित हमारे बड़का भैया सतीश राजभर मिर्जापुर के भर्ती से भैया की तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार प्रणाम बा। साथ में से भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। लाल मास्टर हेलो हेलो। आज इस बालाजी मैदान पर राजभर समाज सेवा संघ की तरफ से आए हुए वंदन करता हूं और सभी से निवेदन है कि बगल में ना बैठ करके माताओं बहने के लिए इस तरफ और पुरुषों के लिए इस तरफ, मतलब आपकी तरफ से देखा जाए तो मेरे तरफ से पुरुष और माताओं बहनों के लिए बाई तरफ।
और राजभर समाज सेवा संघ दर वर्ष की तरह 1011वीं जयंती महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती और स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम का आज यहाँ पर आयोजन किया गया है और सभी लोग आए हुए भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत स्वागत। सदगुरु स्वामी दीन बंधु के सदा झुकई बेमा दुखिया ऊपर दया करा ज्ञान बुद्धि की दाता जी खंड खंड में अखंड महिमा और मुक्ति पदार्थ पाता जी वेद चार गए कथित हार और नहीं पार पाए जगतम जननी कार दे दिन विसार जरा हम पे करो हम जननी आदरणीय आप्रम सद्धे सम्मानित हमरे बड़का भैया चंद्रिका भैया के सपुत्र जी के तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार प्रणाम बा। साथ में सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। नमामि दया सिंधु सागर दया निधि हरि कष्ट दुखमं हरालं नमामि नमामि अवधिपति है दीनों के दाता हर दुखियों को होता दयालं नमामि नमामि हे लड़भंगी भगतों के संगी हरे कर में त्रिशूल ले करालं नमामि नमामि उमा सरस्वती लक्ष्मी मैया अरे विजय कर बजा दे करतालं नमामि हमारे बीच में माताएं बहनें आई हुई हैं। किसी प्रकार की अगर शंका हो पीछे टॉयलेट है, आप लोग पीछे जाइए, जगह है पक्की। हेलो, आवाज कम हो गई ना, कम बेसी होती है उधर मशीन, बाहर पड़े थे मशीन पर। भैया माइक वाले भैया साइड करते परिबतों के शीश पे परिबतों के शीश पे माँ तेरी जयकार हो श्रद्धा सुमन अर्पित करूं अरे स्वीकार हो स्वीकार हो एक बार फिर से राजभर समाज सेवा संघ की महारैली में अधिवेशन में आए हुए सभी जाति सुजाति भाइयों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं मंच के माध्यम से पूरी पार्टी की तरफ से। महाराष्ट्र की पावन पवित्र धरती पर
हम उपस्थित हुए हैं माँ जीवदानी माँ बुम्बा देवी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। कहा गया है पैदा करने वाली माँ से बड़ा दर्जा पालन करने वाली माँ को मिलता है, तो हम पैदा हुए कहीं और लेकिन पालन पोषण माँ बम्बा देवी के आंचल में होता है, इसलिए माँ बम्बा देवी को सत सत नमन करता हूँ। हम कलाकार कोई भी कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के नियमानुसार हिंदुस्तान की धरती पर कौनो भी पूजा पाठ गुरु होला तो लोग आपन जेकर जहां विचार जम जाला जहां से कामयाबी मिल जाले ओ देवी देवता का अर्जना पूजा वंदना करेला अलग अलग सबकर विचार है। जैसे मैं बल के चाहे वाला बजरंग बली, धन के चाहे वाला माँ लक्ष्मी, स्वर के चाहे वाला माँ सरस्वती, लेकिन हम अन के तीनों का हो सकता है, धन बल स्वर, पैसा ना मिली तो चली तो उनके पैसा जरूर चाहिए बल कभी आवश्यकता है, बल ना रही तो बिरहा ना गवाई, स्वर ना रही तो वो बिरहा ना गवाई। ई भक्त माता रानी के दरबार में पहुंचल, माई के चौकट पर माथा टेक के अर्ज कैलस का कलश मास्टर पहले कोनो गीत बतावल जरूरी ना है, लेकिन ये हमनों का मजबूरी है, मजबूरी जरूरी होगा। वंदना गा दो नहीं गीत ना बतावल जाई तो लोग कहिए कौने तर्ज में गौला है, कौनो प्रेमी प्रेमी प्रेमिका के बीच का बात है गुरु, धोखा हो गल प्यार में हल का अरे जा अरे जा धोखा कई माई के दरबार में पहुंचे सुभाष भैया, माई के चौकट पर माथा टेक के अर्ज कैलस का हे मैया मैया हो मैया हे माई हे माई आई जई तू हे माई Yeah.
आदरणीय आम प्रसन्न थे सम्मानित हमारे बड़का भैया श्रीपत भैया की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बा। पैर छू लिख के पलगी बा। आप गायक भी हैं, बहुत अच्छा। भैया के पैर छू के पलगी बा, आशीर्वाद का कामना बा। आदरणीय आप्रम सद्य सम्मानित हमारे बड़का भैया धनपत राजभर भैया की तरफ से 500 पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार प्रणाम बा। साथ में सब भैया उनके नमस्कार प्रणाम। भैया आवाज कम हो गई इसकी, थोड़ा सा आवाज कम। कहना है कि तुम्हारी कृपा से आज तेरी देन है ए लाल, हमेशा तेरे आचरण में पलता है, तेरे से ही सीख मिलती है रे माँ। भैया लोग के बीच तू ही खड़ा की रे माँ, मैं तो मूर्ख हूँ माँ, मेरे को क्या आता था। कह रहा है भक्त क्या कि तुम्हारी कृपा से अरे कई लाल श्रद्धे सम्मानित हमारे बड़का भैया राम भवन राजभर मऊ के धरती से भैया के नमस्कार प्रणाम। साथ में सब भैया लोग के नमस्कार प्रणाम। आवाज तो हमारे कम ना है, लेकिन तू आप कम मत करा, भाई साल भर दवाई चल लिया। हाँ एकदम ढोले रहता नहीं, देखा आगे कर की आवाज कम हो गई। आप लोगन जगह लेके बैठ जा, बहुत जगह है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुखदेव भैया, लालमणि भैया, कई जोन व्यवस्था रह ले, एकदम वीआईपी व्यवस्था रह ले। हेलो, राजभर समाज सेवा संघ आए हुए हमारे माता बहनों तथा भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है और सभी शाखा अध्यक्षों से निवेदन है कि रमेश भाई से आकर स्टेज पर संपर्क करें। धन्यवाद। कहा नाम है? दूसरी बंद में भक्त बता रहा है, संकेत है क्या? आला के हमारी कल्लू, आला के हमारी कल्लू।
सेन बैजू को कौन जानता था। तेरी कृपा हुई रे माँ दुनिया जाना, माई राहुल कृपा से आला भी अमर हो। आदड़ी आप सदे राजभर समाज सेवा संघ के आप अध्यक्ष सुखदेव राजभर, कोषाध्यक्ष महाराष्ट्र के शान स्वागत, महाराष्ट्र के धरती पर सम्मान बढ़ाने वाले, जगह जगह पप्पू राजभर को गवाने वाले सुखदेव राजभर गाजीपुर के धरती से भैया के तरफ से 101 रुपया से सम्मान मिलन। भैया गलती हो जाई भैया की तरफ से 1101 रुपया का पुरस्कार बा सुखदेव भैया की तरफ से। भैया का पैर छू के पहले की बा आशीर्वाद का कामना बा। क्या बात है, वही में वही में। दूसर का पुरस्कार आदरणीय परम सदे महेंद्र राजभर पिकरौली पार्क साइट रामनगर के धरती से 501 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार प्रणाम बा, साथ में सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। आप लोग जगह लेके बैठ जाइए आराम से, ये हमारे सम्मान का बात है। एकर हमन खुद व्यवस्थापक खैला, हम हमने के देखे के हम हमने के सब कुछ करे के। का नाम है सरकी बंद में भक्त बता रहा है माँ, वही आशा लेके वही विश्वास लेके मैं भी तेरे शरण में आया हूँ रे माँ। कह रहा क्या
अंत में गुरु घराना से परिचय बा। सब जानती है रे माँ तू अंतर्यामी है, जगत जननी के नाम से जानी जाती है। हम ही ना हमार आगे वाली भी पीढ़ी पूजलस, हम पूजत है आगे वाली पीढ़ी भी पूजी माँ। का नाम है क्या यार भीखा मरे राउर माई का वंदना हो गल शिवाज भैया, कुछ ऐसा गीत बजा के आ जा। हाँ बाबू के गाई गाई कुल मैया ताकि यहाँ पर समाज में बहुत ही पढ़े लिखे सम्मानित बंधु आए हुए हैं। गीत तो यूट्यूब पर दुनिया भर के चलत है। ऐसा ऐसा गीत गा गए आ गए नी मार्केट में, अपने सुन के अपन ही बंद करा। चला मास्टर बजा के बात कुछ भैया, बड़ा सुंदर गीत लगा देना हमारे। छोटा मुन्ना अभिषेक राजभर मुन्ना की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बा। मुन्ना के आशीर्वाद बा, देव वाले भैया के पैर छके पड़े की बा आशीर्वाद का कामना बा। साथ में सब भैया लोग के नमस्कार करांबा। भगवान भोलेनाथ शादी पी माता पार्वती के लिए आए, कोई पहाड़े में बैठा के अपने गायब हो गई ना। 3 महीना 17 दिन के बाद लौट के ना जाके माता पार्वती जी से पूछा था, कहो ठीक हो ना। वैसे जनता हो हमार मेहरारू हो चाहे आप तो मेहरारू, गुस्सा न किए पर रहले। कोनो बात का गुस्सा आ तो मुहे में ऐसा बोली है कि समझ में ना आई। हाजी बड़ा नाराज लौकत बानी का बा। भाई फोन का सिस्टम तो यार चल रहा, माता पार्वती जी समझावे लगनी। सुना दुनिया का मालिक तू हवा, यही पहाड़े पे छोड़ के गायब हो जात हवा। अपने तो भांग धतूरा पी के खा के मस्त हो जात हवा, हमार कैसे बीतत है जानत हवा।
हमहू के कुछ बनवाई बा घर दुआ धीरे धीरे एक लड़का का मतारी हो गई नी समझावे लगनी कहो थे का बरसेला सवानावा ते चुरेला तोहरा के बुझात नहीं थे एहो भोला दाने की बजाई दे कौनो नौजवान किसी के खूबसूरती का वर्णन कर रहा है सम्मानित हमारे बड़का भैया लगत हमार पहला मुलाकात भी भैया से करजत भीवपुरी मैं भैया आप बिल्डर हैं और भैया का वहाँ बिल्डिंग बन के तैयार है पूरा बुकिंग चालू है पोजेशन में है 12 लाख का फ्लैट इसमें भैया का छूट मिला है 11 लाख में बुकिंग होती है ये भाई के बुक करे के ओख या ना जाके बुक कर सकला भैया अपन कार्ड लेके आल हो आप लोगन के दी है वितरित करी है बड़े सम्मान की बात है और भैया के तरफ से 1001 रुपया का पुरस्कार भी बा अच्छा 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 5000 रुपया महीना भरे के है 3 साल में पोजीशन मिल जाए चाबी मिल जाए हाथ में बड़ी अच्छी सुविधा है भैया की तरफ से 1001 रुपया का पुरस्कार भैया वैसे भी हम आपे के लाइन कहिला हम वो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार रहिला चला कोनो भी सुंदर चीज देखले पर आदमी खूबसूरती को वर्णन तो कही देला व्याख्या तो कही देला कोनो नौजवान कोनो सुंदर लड़की के देखलस उसके रूप का वर्णन कर रहा है व्याख्या कर रहा है सुंदरता बता रहा है क्या अरे वो ठाला कलली Yeah!
चीज आ गई हो कह रहा क्या असल ऐसे जैसे एक हो बहुत ही सुंदर कलाकार आदरणीय हमारे बड़े भाई हेलो विक्रमा भाई की लड़िका चंदन राजभर की तरफ से क्या रुपया पुरस्कार बा। हेलो शाखा के सभी अध्यक्षों से निवेदन किया जाता है कि मंच पर रमेश भाई से आकर पदाधिकारी संपर्क करें। सभी शाखा अध्यक्षों से निवेदन है और आए हुए यहाँ पर राजमार्ग समाज सेवा संघ की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। चंदन मुन्ना की तरफ से क्या रुपया का पुरस्कार बा। मुन्ना के आशीर्वाद बा। माता रानी मुन्ना के गायकी में चार चांद लगाना।
तरक्की करे मुन्ना साथ में सब भैया उनके नमस्कार प्रणाम बा कौनो दंपत्ति जोड़ा माता रानी के दरबार में पहुंचल माता रानी ओकरे मन के मनोकामना पूरी कर देली फिर वही आश विश्वास में माता रानी के दरबार में पहुंच गल माता रानी सोचे लगने की लगर खे कर आदत पड़ गई ले गई रोज आवत रोज जात है बार बार मांगे आ जात है माता रानी के सर हाथ जोड़ के कहलन आई येहू बगर अच्छा येहू बगर दुनिया ताना मारे ले आ जिंदगी उद्धार ना होले कहलस का यह कहलस का कि जैसे कदे हलू भैया लोन से मैं एक थे बिरहा बिरहा ऐसन 15 से 20 मिनट का बिरहा है गायक जी से निवेदन राजा सोहेल देव राष्ट्रवीर महाराजा सोहेल देव धरती पर बहुत अच्छा अच्छा काम किए वही सम्मान आज हम लोगों को मिलता है लेकिन 5 मिनट को वो हो जाए लेकिन हमारा ही भाई हमारा ही बेटा अपने ही परिवार का राजभर परिवार का शहीद हो गया दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में उसी की वीरता की बात है का नाम है मास्टर को सबसे पहले आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं एक बार अपने मन की आत्मा से वो वीर को श्रद्धांजलि आप लोग दे दीजिए चला आप लोगों का विचार है तो 5 मिनट का सोहेल देव राष्ट्रवीर महाराजा सोहेल देव के विषय में एक गीत हो जाती है फिर वो हो जाए टाइम है अभी बहुत कहना है राष्ट्रवीर महाराजा सोहेल देव के विषय में अपने पूर्वजन से हम पहचान करावत ही आप लोगों ने हमारे पूर्वज लोग कितनी राजा रहना कहां कहां राज कहना कितनी वीर रहना का नाम है बड़ी सुंदर गीत बजाऊंगा हमारे मास्टर का I'm
का नाम है क्या? अरे रखल सगरो समाज के, अरे रखल सगरो समाज के, सम्मान बाबूजी हो राजा, सुहेल देव बारे जे कर नाम बाबूजी हो राजा। हमारे ही समाज का नहीं, हिंदुस्तान में सभी समाज, पूरे हिंदुस्तान सर्व समाज का सम्मान रखे हैं, एक पहचान बनाए हैं, पूरे देश के लिए वीरता की बात किए हैं, लड़ाई किए हैं। कहना है क्या कि राजा हर देव रहे काशी राजा धरती। नागवंशी छपी जे कर, नागवंशी छपी जे कर, कायम बानी सन्मान। राजा हरदेव आज भी उन्हीं के नाम से हरदोई शहर बसल है। हम लोग पहले नागवंशी छत्री के रूप में जाने जाते थे। कहना है क्या कि राजा हर देव हर दोई नगरिया, नागवंशी राजा हरदेव तो हरदोई में निशान है। नाम है क्या? राजा सुहेल देव राजभर फिल्म प्रोडक्ट्स, निर्माता वीरेंद्र प्रताप राजभर, सम्मान है मंच के माध्यम से आपका। भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार बा। बड़ा अच्छा वीडियो बना के आप भेजने ही हमारे, बड़ा सुंदर आपका इस समय रिकॉर्डिंग हमके बहुत अच्छा लगा थे। जल्दी आपके कंपनी में एठे बिरहा रिकॉर्ड करावा वाला है, जल्द ही प्रताप राम बा साथ में सब भैया लोग उनके नमस्कार प्रणाम। कहना है क्या कि राजा हर देव रहले हर दोई नगरी, चिड़ैया कोट मेरा सिर देवता, चिड़ैया कोट मेरा सिर देवता, बाजल तलाई चिड़ैया कोट आजमगढ़ में राज कैले हुआ असील देव राजा, जौने जिला आजमगढ़ गाजीपुर से हमन आयल बारी। यही चिड़ैया कोट आजमगढ़ में आप लोग जाए जाई असील देव राजा का किला है। का नाम है राजा
एक वीरांगना भी हमारे समाज में बहुत अच्छा वीरता का काम की है, आप लोग शायद नहीं जानते हो। का नाम है कि कुलब में पैदा भैनी, कुलब में पैदा भैनी, अरे कीर्ति मां महलाली। जौने वीरांगना का नाम बताओ गल प्रीतिमा भैल का अल्लाह के समारी आवे के हमी जिंदगानी। हेलो सभी भाइयों का राजभर समाज सेवा संघ की हार्दिक स्वागत, आदरणीय स्वागत आए हुए सभी मेहमानों, हमारे छोटका भैया विदेशी राजभर हार्दिक भैया स्वागत, 11 रुपया का पुरस्कार व भैया के नमस्कार प्रणाम बा, साथ में सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। का नाम है अरे जवन गईल अब से चेत करा भैया, सोचना पड़ेगा, हम सोचने पर मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? कि हम राजा होके हम इतनी वीर होके पीछे कैसे हो गल गए, बहुत जरूरी है ये चेतना तो अपने दिल में लाना बहुत जरूरी है। यही से हमारे कवि जी लिख ले हम का कि गईल जमन गईल अब से चेत करा भैया, कह दी न करा कभी अरे ढूंढा रुपया। आखिर में मन का राजपाट कैसे गए, हम इतनी दैनिक स्थिति में कैसे पहुंच गए, ये खोजे कोई भैया सही बात है ना। नहीं तो पप्पू एक दिन हो जाई, अरे परेशान बाबू जी हो राजा, देव बारे अरे माम बाबू जी हो हरेंद्र आदरणीय आप हमारे छोटे भाई हरेंद्र भैया की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा, भैया के नमस्कार प्रणाम बा। 15 मिनट का हमारा ही भाई, थोड़ा दिल दिमाग से आप लोग सुनिए, दिल से आह निकल जाएगी। हमारा ही बेटा हमारा भाई दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में शहीद हो गया अर्जुन राजभर, आज उसी वीर की श्रद्धांजलि है। कह नाम है आदरणीय परम श्रद्धे सम्मानित तारकेश्वर भैया के तरफ से ढेर सारा पुरस्कार बा, भैया के पैर छू के पे लगी बा आशीर्वाद का कामना बा।
चार लाइन भूमिका है पीर दस से, वह नाम है गौर करेंगे भूमिका के ऊपर, साल भर में एक बार आप लोगों से मुलाकात हो ले, यही में दिल का सब बात हो जाले, दुखम सुखम यही माध्यम से हो जाला, कहा नाम है क्या नादते वीर मर्याद परिजन के खूनों में जाओ हर की कायम रवानी भर न सकता कोई कर्ज बलिदान का हरी राज भर के जीवन की ऐसी कहानी सत सत नमन है उस वीर को जो हमारा गौरव बढ़ाया, हमारा हमारे देश का गौरव बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया। बिरहा में कव्वाली से टुकड़ा लगल महाराष्ट्र, बड़ा सुंदर गीत है का नाम है, अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान, नमाज पढ़ लो या भी मेरा सर कटा नहीं। सलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं, अरे हुसैन ने, अरे हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं। के प्रति कवि जी लिखले हो नंदलाल कवि का लिखले हो, अरे धरती माँ का कर्ज चुकाने, अरे धरती माँ का कर्ज चुकाने, अरे वतन के नाहरी चल दिए। खेले समर में चोला अपना बदल दिए, धरती माँ का कर्ज चुकाने वतन की नाहर चल दिए, खून की होली खेले समर में चोला अपने बदल दिए, देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के भी बहादुर हंसते हंसते बलबेदी को चूम लिए, सीने में गोली खा लिए, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, किसी बहन का राखी छीनी गई, किसी बहन विधवा, कोई बहन विधवा हो गई, कोई माँ का बेटा चला गया, लेकिन हमारे देश के वीर अपने पग को पीछे नहीं हटाए। कहा नाम है, कहानी कहाँ से मिलन, गाजीपुर के धरती से, नाम के करबा अर्जुन राजभर जो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में शहीद हो गया, कहा नाम है, तो वतन की वर्दी वर्दी सबको होती है नसीब नहीं, अमृता हर जीवन में होता है करीब नहीं,
बतावलगन का माई का नाम बतावलगन। पांच बेटा हुए रामावती के यचरिया में, पांच बेटा हुए रामावती के यचरिया में, जन्म ने बेटी एक आ गई फुलवरिया। तीन भाई कहां यही बंबई के धरती पर क्या करते थे, तीन भाई फूल माला का काम करते थे, तीन भाई फूल माला का काम करते थे, अर्जुन राम के पिता संग घर पर रहते। भैल का सुनीता दुलहिनी दुलहिनी आदरणीय आप सदैव सम्मानित हमारे बड़का भैया राजेंद्र भारद्वाज भैया की तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार प्रणाम बा, साथ में सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। भैल का सुनीता दुलही बन के अर्जुन साथ आ गई नी, सुनीता दुलही बन के अर्जुन साथ आ गई नी, तुई बेटा एक बेटी दो दिन आ गई। जुनून जज्बा जुनून जज्बा जुनून जज्बा जब अर्जुन के सर सवार हुआ, जुनून जज्बा जब अर्जुन के सर सवार हुआ, तनुआ तन का फौजी दिन में ये विचार हुआ। बचपन से ही शौक था अर्जुन को, सुरेश राजभर आदरणीय आपम से दो भैया की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार प्रणाम बा, साथ में सब मालिक लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। आदरणीय आपम से दे नाथ जी बैठ भरदोही के धरती पर, जहां यहाँ राजभरों का राज था एक बार, भरदोही के नाम से जानी जाती थी, आज भदोही चेंज करके भदोही बन गए। चाचा के तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बा, पैर छू के पुलगी बा, आशीर्वाद का कामना बा। बचपन से ही शौक था अर्जुन राजभर को, वतन का फौजी बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा, इस शरीर इस जिंदगी कैसन जवन वतन के काम न आवे। धीरे धीरे बड़ा परिश्रम कहीं न, लेकिन भर्ती ना हो को न, बाबू रिटायर होके आ गई न। हेलो तनी सर, तनी सर भैया आवाज कम हो गई, भैया आवाज कम हो गई, मास्टर वाले माइक वाले भैया तनी बोला। हेलो 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 ठीक है बाबू, समझावे लगना के अरे बेटा तीन जने कमाते हूँ ना, भर्ती भैला मेहनत कैला बेटा, ते मई तकलीफ का कौन बात है बेटा, बाबू रिटायर हो के ना अर्जुन राज भर के ढेर सारा पुरस्कार गाजीपुर सदियाबाद के धरती से भैया की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार प्रणाम बा, साथ में सब भैया उनके नमस्कार प्रणाम। भैया तनी आवाज बढ़ा दी है कर, लेकिन पिताजी के समझौले के बाद भी अर्जुन आपन परिश्रम आपन मनोबल कम ना कहीं, समान मेहनत करते रह गया। परेशान हुआ पिताजी, बेटा शादी कला, बाबू शादी करके अब का करबा, थोड़ा और देख ले बता। लेकिन अंत में पिताजी अपने सर का बोझ उतार देना, अर्जुन को शादी कर देना। शादी कैले के बाद एक टेंट का दुकान खोल के दे देना, ला बेटा ही है चला ला। लेकिन बार है अर्जुन,
श्याम देव राजभर भैया की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार प्रणाम बा, साथ में से भैया लोग के नमस्कार प्रणाम बा। टेंट का दुकान बाबूजी कह के देने न, लेकिन मन ना रमत है, मन तो वही जकन है कि देश का फौजी बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। दूठे लड़का भी हो गई ना, दुल्हीन का नाम सुनीता बतावल गई, मेहरारू का नाम सुनीता, दूठे लड़का हो गई ना। लेकिन एक दिन आपन उठा लेना झोला वाला, भैया तनी सा भैया दोनों आगे पीछे टाकी का भी आवाज खत्म हो गया थोड़ा सा। भैया बड़ा सुंदर बिरहा गा रहा हूँ भैया, हम कई सुनो गाई लेकिन कहानी बड़ी अच्छी गावत थी। देखा छत्तीसगढ़ में खुली भर्ती निकलती है बाबूजी, क्यों से बताऊना ना, सवेरे के टाइम निकलना लगना माई का पैर छूना, बाबू का पैर छूना, कहाँ जाते रे अर्जुनवा, माई जाते भैया कहन जाते। बस ज्यादा ज्यादा 10 मिनट, 10 से 15 मिनट बस सबके टाइम दे देते, बस थोड़ी देर। बस मिनट लगे, चल रहे ना, तब चलन हो तो बड़ी सुंदर गीत लगा मास्टर। सुतलम रहनी रामा बाबा के अंगनवा वसियन, यही गीत के नईके में लोग गाना का गाना कि पानी बिना सूखा तानी, पानी बिना सूखा तानी हमरोई हौदी रे भौजी, पानी बिना सूखा पानी हमरोई हौजी रे भौजी, अरे पियावा बसेला हमरो सऊदी रे भौजी। लेकिन चलल बा जवान कैसे कि छत्तीसगढ़ है चलल लेके, छत्तीसगढ़ है चलल दिलों में सपनवा सोलहवीं बटालियन में भारती, श्याम सुंदर राजभर आप हमारे मामा जी लगते हैं, 201 रुपया का पुरस्कार बाप, नमस्कार प्रणाम बाप, साथ में सब लोगों भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बाप। कहना है क्या, छत्तीसगढ़ है चलल है लेके दिलों में सपना सोलहवीं बटालियन में, सोलहवीं बटालियन में भारती भाई है जवान भा, सोलहवीं बटालियन में भारती चरा लाइन लगा लेता है, मन की मनोकामना पूरी हो जाती है, दौड़ निकल गई, मेडिकल भी फिट हो गए अर्जुन राजभर का। अपने भैया के बंबई फोन कर देना, कह माई बाबू के ना बताई, बाबू बड़ा परेशान भेल हम, बड़ा बाबू के निराशा देहले हेला, भैया के बताऊना कि भैया बस एक काम रह गया, लव रिटेन लिखित परीक्षा रह गई है। कहा पगला, दोनों प्रकार का तकलीफ होगा तो हमके बताइए, कहा भैया ये दैया पारी कौन तकलीफ ना है, तुम्हारा आशीर्वाद दैया पारी भर्ती पक्का हो जाबर, जवान भर्ती हो जाता है बहुत साठ में, बहुत साठ में, जल्दी जल्दी
ऊपर से ही ऊपर भैया के पास जाता है। भैया कहां से रमेश, भैया कहां से खान, खर्चा लेकर के फिर लौटल हुआ। वर्दी मिल गई अर्जुन राजभर के, वर्दी मिल गई, लिखित परीक्षा भी पूरा हो गई। वर्दी पहन के जौने समय ट्रेनिंग से घरे आल हो, माई के विश्वास ना होते कि हमारा अर्जुनमा सच के वर्दी पहले कि कहीं से खरीद के लेके आवत है। लेकिन बारे माई का दिल, माई का दिल तो भैया मोम होला ना। माई कहनी कहा, अरे अरती उतार माई वर्दी निहार चुमली सुनीता अपने, चुमली सुनीता अपने भाती कई चरना मास को नहीं बचाली अपने भारत। थाल सजा के अपने लाल कबूती उतारत है, करे अर्जुनवा हादड़ी। आप श्रद्धे सम्मानित हमारे बड़का भैया कपिल यादव शेरे जौनपुर के धरती से 101 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के नमस्कार प्रणाम बाबू, हमारे क्षेत्र भैया मखदुमपुर के राकत, साथ में सब भैया लोन के नमस्कार प्रणाम बा। माई कहते करे अर्जुनवा सचियो भर्ती होगा ले, अरे माई हम वर्दी पहले ही तो की विश्वास ना होता लगत है बहकावत है कारे। नहीं रे माई नहीं, देश के रक्षा खातिर वर्दी पहले ही रे माई। लाल सच्चो तोर भर्ती हो गल, हूँ मेहरारू का सीना गदगद हो गए। सोचे थे कब हमारी का नाम है, हमके सही सही बात बतावे। जैसे दुवारी महीना हाथ पकड़ के दुल्हन सुनीता खींच लेनी काहो सैया भर्ती हो गल बा। हारे पगली हम भर्ती हो गल हिला, बड़ा मनौती कैले हिला, लेकिन भाव लगल का चढ़ा कसौटी पर जब जीवन, चढ़ा कसौटी पर जब जीवन। अरे वतन की वर्दी पाया है धीरे धीरे डिप्टी करते, अरे सन 18 आया है 20 अप्रैल परिवार साथ, अरे छत्तीसगढ़ प्रस्थान किया 20 जून शादी से पहले, अरे आने का प्रोग्राम किया 20 मई दंतावाड़ा में, अरे 20 मई दंतावाड़ा में बम विस्फोट महान हुआ, अरे 7 जवान शहीद हुए, अरे कांप गया आसमान जहां। बीस मई दंतेवाड़ा में बम विस्फोट महान हुआ, 7 जवान शहीद हुए, कांप गया आसमान जहां। जवानों की टोली निकलती है लैस हथियार से हैं अपने वाहन में, जैसे ओवर ब्रिज के पास पहुंचते हैं एक ब्लास्ट उड़ता है, ब्लास्ट होता है 7 जवानों का चीथड़ा चीथड़ा उड़ जाता है। बाप रे बाप, पूरा मातम छा जाता है। दुल्हन कहन फोन गयल, हेडक्वार्टर से ऑफिसर फोन करता है, विश्वास नहीं है कि हमार सैया तो सुबिरवा गई ना है, कहना हम जल्दी आई। ऑफिसर फोन करता है, सुनीता बड़े ही दुख की बात है, अर्जुन राजभर इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारा अर्जुन राजभर गया। इतना ही सुनती है सुनीता, हाथ से फोन दूर झटका जाता है, फोन तितिर बितिर हो जाता है, छोटा बच्चा फोन उठाता है। इतना ही में ऑफिसर बड़े भाई रमेश भैया के पास फोन कर देता है बंबई में,
कि तुम्हारा भाई अर्जुन राजभर शहीद हो गया, लेकिन सुनीता फोन उठवनी अगल बगल के लोग इन्हें माता बहन लोग इन्हें समझावत है, अपने सास के फोन लगा के कहत है का कहनी मास्टर बड़ी सुंदर गीत लगल का स्वर्गीय बेचन भैया वाली गीत लगे कि का वह गीत लगल कि पिया पर चलो ठीक है स्वर्गीय बेचन भैया वाले गीत लगे कहा कि पिया परदेश गई ले पिया परदेश गई ले तार लागे चोटिया में सुनीता अपने सासू माँ से फोन पर बतियावत ही रोवत थी बतावत ही का बतावत है कि कवनो ठगिनिया आदरणीय परम श्रद्धे सम्मानित कांदीवली की धरती से बालचंद भैया की तरफ से बड़ा प्रोग्राम गोवना भैया की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बा भैया के नमस्कार प्रणाम बा कहना है का कि कवनो ठगिनिया से नुरा कौनो ठगनिया से नुरा लूट गई अम्मा दी अरे सुनीतवा तू का कहती बता बता हमरे अर्जुनमा के तो कुछ ना भल रे सबले दूसर की बात उस सुनीता अपने सासू माँ से कहलस का कि अरे सिनुरा चरवली सिनुरा चरवली हमारे जिंदगी जहर कहीं मैदान में सभी खड़े भाइयों से निवेदन है कि कुर्सियां भी खाली है उन पर विराजमान हो सुना राजभर सभा सेवा संघ आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है कि अरे माई हम शादी से पहले हैं आज तेरे हमारे लाल कहाँ चल गई ना कहे कि मजाक करते रे मजाक ना करती हो अम्मा भैल का अरे बोलो हो न पवली कुछ कहो न पवली हो सजना से नहीं आयब टूट गई अम्मा जी सजना से नहीं आयब टूट गई अम्मा जी कवनो ठगनिया से नुरा लूट गई अम्मा जी
बार में पता चल जाता है। सभी भाइयों से निवेदन है कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, पता चलन कृपया करके इसमें विराजमान हो। कार्य अर्जुनवा राजभर समाज सेवा संघ कहली न कि भर्ती सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। पापा बाबू समर में हम पीठ पीछे ना दिखाई, लेकिन तू हमसे कुछ बोलबो न कैले, बतियोले न कैले, कहाँ चल गई ले बाबू? रोवत हुआ कैसे रोवत हुआ? यार रोवत हुआ कि अरे पतर ही राम जी का नाम है क्या? कवने ही बनवा हमारे, कवने ही बनवा हमारे, अरे गई ना यार जुमावा ये भैया, कवने ही हेलो 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 अरे कैलासी गद्दारी कवने, अरे कैलासी गद्दारी कवने, अरे पापी बेई मनवाए भैया, कवने ही बनवा हमारे, अरे कैला यार जुनावाए भैया। छाप दीजिए छाप। छाप दीजिए छाप छाप। चला ठीक है। अरे बहादुर गाजीपुर के माटी के, अरे बहादुर गाजीपुर के माटी के, सी चाल लहू से अपने छत्तीसगढ़ का छाती। ऐसा आप लोगों के समय ना, 15 मिनट का कहना है क्या? अरे समर में पिठिया पीछे ना देख वाला अर्जुन भैया हो, अरे समर में पिठिया अरे पीछे ना देख वाला अर्जुन भैया हो, अरे वो तिरंगा गाजीपुर में यही ना अर्जुन भैया हो। थाना से बरही पा रहा हो, अरे यार जुनो राज भाई अमर रहे, सवरो गुजल मारा हो, अरे काओ नगरी परिवार तो कमे कई ना यार जुनो भैया हो, अरे कमने बनवा जाके यार हेरही ना यार जुन भैया। जलंधर ई है बिरहा, 15 मिनट का लोन टाइम ना देना, बिरहा के कहा जाला कहना है यहाँ से कि वरदी का कीमत है, अरे वरदी का कीमत है परलवास से बचके भैया। रक्षा खातिर कहते सभा के रक्षा खातिर, अरे देने सारा का अरे जे करे अमरत्व में कहते करे शहादत में, अरे अमरत्व का खजाना भैया। अरे करे गुड़ गान आई पूरा संसार, वर्दी का कीमत है परनवा से बढ़के भैया। बोलौली लोगन तो कम से कम 15 मिनट का ही कुल विधा, ऐसा नहीं 15 मिनट का टाइम दे रहे, वो पहले में से हमके लोगन ऐसा तोड़ देला कि जवन गवहू के वो भुला जाला। खड़ी से भाव लगल मास्टर कहना है का? देश के
राजनेताओं से कहना है, कवि जी का लेखनी राजनेताओं के ऊपर थोड़ा सा छींटा के सिकेले बा, कहना है का बंद होई कृपया मंच पर पधारें संतराज पटेल जी। संतराज पटेल हमें हिसाब चाहिए, हमारे मंच पर का हिसाब चाहिए। से कहना है, कब तक हमारे देश के वीर शहीद होते रहेंगे? आप लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, कहना है अरे आजादी से निकली रहनी गुलामी, अरे आजादी से निकली रहनी गुलामी, अरे कब उनक के हुक्का चलल मनम। हमारे अर्जुन के शहादत का हिसाब से तगुर विखा गुरु नरेश, अरे धन्यवाद तन के वीर लाल बहादुर राम सेवक, अरे पिजाई लाल मनी का एक करे जाचीर, बहादुर गाजीपुर के माटी का, बहादुर गाजीपुर के माटी का, पप्पू नंदलाल कभी कब बचा के रखी हाथी, बहादुर गाजीपुर के माटी। दो चार मिनट का अपना भी कला का प्रदर्शन कीजिए। उपस्थित यहाँ के आयोजक बंधुओं, आप सब लोगों ने जो हमें इतना सत्कार दिया है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद प्रदान कर दे हैं। हम आप लोगों से एक नारा बुलवाना चाहेंगे, जय राजा सुहेल देव की, राजा सुहेल देव की। सम्मानित व्यक्तियों, उपस्थित सज्जनों, आप सबको हम आदर के साथ करना चाहेंगे कि मेरा टाइटल एडवोकेट संतराज राम प्यारे पटेल, क्योंकि आयोजकों ने मुझे इसलिए मौका दिया क्योंकि हमारे टाइटल के आगे थोड़ा सा फास्ट कर देना, हमारे टाइटल के आगे पटेल लगा हुआ है। हेलो हेलो, तो हम आप लोगों से अवगत कराना चाहेंगे, हम गोरखपुर के निवासी हैं, गोरखपुर संत कबीर नगर महाराजगंज बस्ती, साथ में उसके देवरिया का कुछ भाग और बस्ती जिले से आगे गोंडा का कुछ भाग, इस परिक्षेत्र में रहने वाले बेसिकली जितने लोग भी हैं, वो लोग अपनी बिरादरी के भर और राजभर संगठन के लोग हैं, वो लोग अपने नाम के आगे आगे टाइटल पटेल लगाते हैं। तो हम आप सब लोगों से इसलिए अवगत होना चाह रहे हैं कि हम भी आप ही के एक बच्चे हैं, आप अगर हमारे नाम के आगे पटेल लिखा हुआ है तो आप हमें अपने से दूर न समझें, इसके लिए मैं आप सब लोगों ने हमें ये मौका दिया कि हम आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करें। तो जो भी यदि इस तरह, चूंकि गोरखपुर परिक्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं, करीब लाखों की संख्या में हैं, जो अपने आप को पटेल एक्सप्रेस करते हैं, और मैं बॉम्बे हाईकोर्ट का एक एडवोकेट यहाँ अपने नाम संतराज राम प्यारे पटेल के नाम से प्रैक्टिस करता हूँ, और अपने समाज के लोगों से यह भी मैं निवेदन करूंगा कि जो भी आप अपने समाज से संबंधित जिनको भी कोई भी प्रकार की समस्या हो, अपने एडवोकेसी से संबंधित आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी सम के समय जय
चाहे सोहेल देव। पटेल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आज हमारा धन्यवाद जातियों में बिखरा पड़ा हुआ, और अब इसीलिए सभी से निवेदन है कि अपने टाइटल को धीरे धीरे बदली करें, जिससे कि राजभर भर लिखा जाए, जिससे कि हम एक एकता के भाई साहब इसमें बनते जाए और आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों। कुछ भी कहने से पहले यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं हमारे समाज के सभी लोगों को विलास नीलकंठ का, विलास राजभर नीलकंठ का सादर भरा यथोचित नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, दुलार, प्यार। जितने लोग बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सभी लोगों का चरण स्पर्श, माताएं बहनों को चरण स्पर्श करता हूँ। लालमणि भैया, उमा शंकर भैया, हमारे बड़े भैया जो हमेशा परिचित रहते हैं, हम सभी यहाँ की कमेटी, लालमणि राजभर जी, उमा शंकर राजभर, रमाकांत राजभर, सुखदेव राजभर, रमेश राजभर जी, तारकेश्वर राय, राम सूरत राजभर, वालचंद्र राज, भानु प्रताप राजभर, तमाम जितने भी लोग, छूट जाए बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हर मन से कहते आता हूं, ये भैया बादक लोग का साथ ले लें का, पप्पू भैया, पप्पू भाई आपके वाले दो चार मिनट के लिए कोऑपरेट कर देंगे, कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हारमोनियम भैया दे दिए, तन सांबरी ऊपर मेहरबान कह जा। बबलू जी, बबलू जी कहाँ है? बजाए ले बधाई बबलू, हम मानो पीरास बोलेगा पीरास कब ले जा। अरे बजा लेंगे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो 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 हेलो, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हेलो, थोड़ा और खोलो ना यार। आज राजभर समाज सेवा संघ द्वारा आयोजित भर सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की 1011वीं जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को प्रणाम। इतना जरूर कहूंगा कि जगवा में जही आले उगी है किरनिया हो, होते रही पावन बिहार, हमनी के बाबा सुहेल देव जी अमर रही है, जहिया ले रही सूरज चांद। एक जोरदार ताली हो जाए, बोलिए बाबा सुहेल देव राज भर की। ऐसे भैया हल्का में काम ना चली, थोड़ा तेज बोलिए और जोर से बोलिए, बाबा राजा महाराजा सुहेल देव राज भर की। एक गाना हमने का बहुत पहले गया था, धन्यवाद राजभर समाज, नमन सुहेल देव जी के कैला। आप सभी लोग सुने भी होंगे, पूरे यूट्यूब व्हाट्सएप देश विदेश सुन रहा है, 3.5 करोड़ लोगों ने सुना, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस कैसेट को रिकॉर्ड करने वाले हमारे बड़े भैया डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप राजभर जी हैं, एक ताली उनके लिए भी हो जाए। राजभर समाज को प्रणाम करता हूं भैया, और इतना जरूर कहूंगा, अरे दुनिया में महके हमार, अरे दुनिया में महके भैया, अरे राजभर वाले नूर हो यारे। अच्छा लगेगा, ताली जरूर बजाइएगा, अरे दुनिया में महके हमार, अरे राजभर वाले नूर हो यारे। पापा सुहेल देव रहले, पापा सुहेल देव रहले, हीरा को ही नूर हो यारे।
शिक्षित बनाइए, समाज अपने आप बदल जाएगा। ये विलास राजभर तो कहता है और कहता रहेगा, क्या कहता हूँ। अरे भैया पूरा कर है बाबा तू है देव जी का सपना। राजभर समाज सेवा संघ के इस मंच पर उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। और आप लोग के बीच में ज्यादा समय न लेकर के और बाकी लोग भी यहाँ पर सबको मौका दिया जाएगा, ज्यादा समय न लेकर के एक गीत दहेज प्रथा की आप लोग के बीच में पेश है। मैं गायक चंदन राजभर आप लोग का हार्दिक वंदन स्वागत करता हूँ। चार लाइन कवि जी भूमिका लिखत हुए बेटी के विषय में, हमारे समाज और समाज का एक तकलीफ है, एक उसकी व्यथा आप लोग के बीच में पेश है। कैसे अनमोल अनमोल रचना विधाता की बेटी, बेटी वही माँ बगन गए कगाती, अनमोल रचना विधाता की बेटी, बेटी वही माँ बगन गए कगाती, जननी जन्म भूमि को छोड़ कर के अनजान घर में दीपक जलाती, रणचंडी दुर्गा वही लक्ष्मी है कोठे पर घुंघरू बजाती है बेटी, ऐ देव की नंदन ये जालिम जमाना दर दर की ठोकर क्यों खाती है बेटी। आप लोग के बीच एक बेटी के विषय में एक बेटी की व्यथा कवि ने लिखा है चार लाइन में, कहा है कवि ने कैसे कि ऐसन तावा की अब चलनी चलनिया, ऐसन दावा की अब चलनी चलनिया, रोवेली वो रोवेली वो मोरे भारत का बहिनिया, आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन कहना है हमारे समाज और हर समाज का पूरे भारत का यह व्यथा है, कवि ने लिखा है रोवेली हो
से एक सुरेंद्र राजभर, एक रविंद्र राजभर भैया की तरफ से पुरस्कार आया है 101 रुपया। 101 रुपया बार बार प्रणाम आशीर्वाद की कामना करेंगे। राजभर समाज सेवा संघ की तरफ से सभी पधारे हुए माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। अब इसके साथ कुछ बच्चों का जा रहा है, कृपया मंच पर पधारे। बस भैया लास्ट लाइन अलीखा गुड्डू राजभर बुलाओ। लास्ट एक दो मिनट रुकिए, फिर आशिका गुड्डू राजभर, अमीशा कृष्णकांत राजभर सब आ जाएंगे, उनके बाद बुलाएंगे। रेशमा राजभर है ना, नहीं, नंदनी और प्रिया गुरु कृपया मंच पर पधारे। लास्ट लाइन में कहना बा सब समाज के लोगन से, यह ना कि अपने राजभर समाज से। अरे कह दो कि नंदन चंदन बिनती हमार बा, कह दो कि नंदन चंदन बिनती हमार बा, रुपया पपीकत काए बेटावा तोहार बा, श्रीमान श्रद्धेय आप गणेश राजभर शिवपुरी स्टेशन से 1 किलोमीटर। मनोज राजभर जी रोधपुर के हैं, वो रामक्रीत से कृपया उनसे मिले। 5,000 महीना भर के 3 साल में फ्लैट मालिक बन सकते हैं। आए हुए सभी भाइयों का राजभर समाज सेवा संघ अभिनंदन वंदन और स्वागत करता है। छूट है, 1 लाख की छूट है, 11 लाख में आप उसके मालिकाना हकदार हो सकते हैं। भैया की तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार, बार बार प्रणाम आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन लास्ट दो कि नंदन चंदन बिनती हमार बा,
राजभर समाज। धन्यवाद गायक जी। अब हमने कुछ बच्चों का नाम लिया था, अभी तक वो मंच पर नहीं आए, फिर से एक बार कहता हूँ, अलीशा गुड्डू राजभर, आशिका गुड्डू राजभर, अमीशा कृष्णकांत भारद्वाज, कृपया मंच पर पधारें। और उसी के साथ साथ नंदनी और प्रिया ग्रुप, अमीशा कृष्णकांत भारद्वाज, यह बच्ची हमारे सामने कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमीशा श्री कृष्णकांत भारद्वाज, माय फादर नेम इज श्री कृष्णकांत रामवदन भारद्वाज, माय मदर नेम इज रिंकू श्री कृष्णकांत भारद्वाज, आई स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, आई टेलिंग टू स्पीच इन इंग्लिश, सुहलदेव स्पीच, सुहलदेव इज ए लेजेंडरी इंडियन किंग फ्रॉम श्रावस्ती हु इज सेड टू हैव ए डिफेक्ट एंड किल्ड द गजनीवी जनरल गजनीवी सर मोसिड एट बहराइच इन द अर्ली 11th सेंचुरी ही इज मेंटेन्ड इन मारित आई मासुडी एंड 17th सेंचुरी पर्सन लैंग्वेज हिस्ट्रिकल रोमांस सिंस द 20th सेंचुरी वेरियस हिंदू नेशनलिटीज ग्रुप हैव ए कैरेक्टर्स हिम्ड him as a Hindu king who defected a Mughal in pride. सुहलदेव श्रावस्ती से अर्थ प्रोनिमाक भारतीय राजा है। कहा जाता है कि इन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत बहराइच गजनीवी सोनापति सायस सलद मोसिदी गजिया के प्रत्यजीत कर मार डाला था। 17वीं शताब्दी के फ्रांसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पत कथा मारित एंड मोसिदी में अनेक अनोख है। 20वीं शताब्दी के बाद विधित्र हिंदू राष्ट्रवादी सम्मोन ने उन्हें एक राजा के रूप में चिचित किया था जिसने मुगल अनुक्रमण को हार दिया। बड़े भाग्यवान हैं कि आज हम महाराष्ट्र भेंदर की इस धरती पर आज हम सब एक साथ अपने पूर्वक की जयंती मना रहे हैं। जय सुहलदेव। धन्यवाद। अब देखा आप लोगों ने इस नन्ही मुन्नी बच्ची ने किस तरह से हमारे इतिहास को, जैसे जैसे लोगों को इसका ज्ञान होते जा रहा है वैसे वैसे सभी लोग उसको पढ़ना और उसके बारे में जानना जान रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। अब अमीशा हेलो, राजेंद्र भारद्वाज 201 रुपया पुरस्कार दिए, 10 रुपया 210 रुपया इनाम दिए। सामने कुछ नंदनी प्रिया ग्रुप नृत्य पेश करने जा रहा है, कृपया इनका हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत हो।
जरूरी है। जोरदार तालियों से बच्चियों का स्वागत हो। और ये सारी बच्चियां हमारे धारावी शाखा से आई हुई हैं। अब श्रीपत राजभर जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारे। श्रीपत राजभर जी, सभी लोगों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भाई जो मैदान में खड़े हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि कुर्सियां खाली हैं, उस पर विराजमान हो। श्रीपत राजभर जी, अखिल भारतीय राजभर संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव हरिशंकर राजभर जी, हरिशंकर राजभर जी अखिल भारतीय संगठन के प्रमुख सचिव, कृपया मंच पर पधारे। हरिशंकर राजभर जी, हेलो, हरीश राजभर जी, सुभाष भाई, बबलू गुरु, मंच पा वालों मंच पा। हरीश भाई से निवेदन है कृपया मंच पर पधार कर अपने वक्तव्य को रखे। सुभाष भाई, बबलू गुरु, जल्दी मंच पा वालों। श्रीपद जी आप शुरू हो। कहाँ चले गया? कानून किधर गया?
बच्चे सभी भाइयों बहनों को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की चरण में मैं पहले अपना नमन करता हूँ। और मैं कोई गायक कलाकार नहीं हूँ, हमारे दो चार भाई लोग हैं और पप्पू जी पहले ही अलाउंस कर दिए कि श्रीपद जी गायक है। गायक तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी अपने पूर्वजों के बारे में आप लोग को दो चार अच्छा सुनाऊंगा। अगर कहीं चूक होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा। हाँ, इनके बाद जालंधर राजभर को दो चार मिनट का समय दिया जाएगा। जालंधर राजभर स्टेज पे आ जाए। हमारे कुल देवता शंकर भोले दानी और माता शीतला जी हमारी देवी है, उन्हीं के बारे में दो चार अक्षर मैं सुनाऊंगा आप लोग को। हेलो निबिया की डरिया, निबिया के डरिया मैया डालनी झलुआवा हो कि झूली रे झूलीना, हो कि झूली रे झूलीना, तमैया मोरी गावे गीतिया हो कि झूली रे झूलीना। पहले अपने देवी का पूजा कर ले। लेकिन आप लोग जिस कारण ये समाज में आए हैं, जिसका उत्सव मनाने आए हैं, तो तनी इनके घराने का अपने पूर्वजों के घराने का सुनिए। जागा नाग बंसी राजा भारानो जवानवा हे बीरानवा हमारे कंपनी का मैनेजर हमको 100 रुपया दिए हैं, उनको बार बार धन्यवाद। और हमारे मामा श्री 100 रुपया दिए हैं, उनके तरफ से हमको पाव लगी। ओके जीवन मिली, हम समाज के हम में से अपन दान कर दे पाए। अकीला बहराई च कीला बहराई च बिहारी माला के घर नवा हे जवानवा सुनाना। तारा सुहल देवलाला नवा हे बीरा नवा हमारे
हमारे राजा के बहन जिसके अंबे देवी नाम बताओ गए राली बीरा अंबे राली बीरा गला अंबे जानला जहनवा हे जवानवा पप्पू भाई की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा बार बार हमारे तरफ से आशीर्वाद और जनता जनार्दन के प्रणाम हो रहली कूला के खजानवा हे जवानवा हमारे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया गीत सुना है, लोगों के बहुत मनोरंजन हुआ, इसलिए सभी समाज उनका धन्यवाद करता है। अब हमारे सामने हरीश राजभर जी, अखिल भारतीय संगठन के महासचिव, अपने वक्तव्य देने के समय सिर्फ समाज के विकास के बारे में ही कहें और इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी दें, कृपया उनसे निवेदन है। यही से हम खड़ा ना हो पाएला, हमारे रामाकांत भाई हमें जब हम आज आए तो कहे कि तू पुरनकी वाला होके था, अब पुरनकी हो गए मतलब दुया मेरे ना भल तो बन करा है, इतना हमारे माई बहन सब बैठल, हमारे जवान बैठल, हमें तो हम बंदे कर देते तो चटनी सुन ला लो बोले सर दादा के। भारतीय समाज पार्टी से कन्हौजिया जी के तरफ से 200 रुपया का पुरस्कार मिलल है, भैया के बार बार धन्यवाद आशीर्वाद का कामना बा। कृपया सभी लोग हमारे भाई बहने कुछ मैदान में खड़े हैं, कृपया कुर्सियां खाली है, बार बार मैं कह रहा हूँ कुर्सियां खाली है, उस पर विराजमान हो, खड़े होकर अपने पैरों को तकलीफ ना दे। सभी लोगों से निवेदन है कि कुर्सियों को जो खाली पड़ी है आप लोग मैदान में खड़े हैं यहाँ वहाँ, कृपया करके कुर्सियों पर विराजमान हो, धन्यवाद। अच्छा भले सर दादा का तेरे साथ चटनी सुन ला लो या बहुत बैठल बैठल जीव आ जा गए, और रामाकांत भाई से निवेदन है कि तनी 2 मिनट और रुक जा।
सावर गोरिया रे सावर गोरिया सावर गोरिया सावर गोरिया शिरपत भैया टुकड़ावा का दिया लूटी कुलिया चार से दिया लूटी कुलिया दिया लूटी कुलिया गजरा बदारावा कच्चा धन्यवाद धन्यवाद बहुत अच्छी। हरीश सर जी आपके सामने कुछ रखना चाहते हैं, कृपया उनके सुने। धन्यवाद संचालक महोदय जी। जय स्वलदेव। ये भैया लोगन खेले ना होगा तो पिछवा। जय स्वलदेव। जय सुहेलदेव के नारे के साथ में मैं अपनी वाणी की शुरुआत करता हूं और यहां जो संचालक कर रहे हैं हमारे भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अभिनंदन और वंदन करते हुए। और लालमणि राजभर जी अध्यक्ष कमेटी के जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है उनका भी अभिनंदन और वंदन करते हैं। उमा शंकर राजभर जी उनका भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। विद्याधर राजभर जी उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। सुखदेव राजभर जी उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। रमाकांत राजभर जी उनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। रमेश राजभर जी उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। और यहाँ हमारे समक्ष उपस्थित बुजुर्ग हीरालाल मास्टर जी हमारे गुरु जी हैं उनका भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जोरदार तालियाँ हो जाए तो थोड़ा बोलने का उत्साह भी बढ़ता है। और आदरणीय हमारे परम पिताजी नानक भाई राजभर जी उनका भी मैं स्वागत करता हूं दिल से कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया कि मैं आप लोगों के बीच में समाज की कुछ सुधारने की बातों को कुछ समाज के विकास की बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। और हमारे परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तिलोकी राजभर जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कृपया एक जोरदार तालियां हो जाए। अगर तिलोकी जी नहीं होते तो मैं शायद यह मंच कभी पाता नहीं और न आप लोगों के सामने कभी आता नहीं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। राम भवन जी हैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे जीतू भाई बैठे हुए जीतू भारद्वाज जी हैं कई सालों बाद मिले उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और बबलू राजभर जी हैं पहलवान जी उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यदि किसी का नाम यदि छूट जाता हो तो कृपया करके भाई हूँ बुरा न मानिएगा, मैं आप ही का भाई हूँ, गलती तो हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ, मैं तीन विषय लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। एक तो शिक्षा, दूसरी विकास, तीसरी हमारा इतिहास। आज सुहेलदेव महाराज की 1011वीं जयंती पर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरे बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और इसका श्रेय जाता है हमारे हीरालाल मास्टर जी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े रहने का मौका दिया। एक बार नहीं 10 बार नाम और जाएगा आपका मास्टर जी, क्योंकि आप उस लायक हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों आज हमारा इतिहास जब अगर हमें अपने इतिहास की जानकारी ही नहीं होगी तो मैं कुछ छोटी सी बातें मैं बताऊँगा, बाकी बताने वाले पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में। लेकिन मैं बताता हूँ कि इतिहास आज हमारा खतरे में है।
इतिहास आज हमारा खतरे में है। दोस्तों, क्या आप लोग इतिहास बचाने की कोशिश नहीं करोगे? मैं आवाज पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या आप लोग अपना इतिहास बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? भाई कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या आप लोग बचाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, तो एक सुर में आप लोग आइए मेरे साथ। मैं हाई कोर्ट में पिटीशन डालने जा रहा हूं पासियों के खिलाफ, जो बार 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 हमें चकमा देते जा रहे हैं, बार बार हमें धोखा देने जा रहे हैं, उनके खिलाफ पिटीशन डालने जा रहा हूं और मुंबई हाई कोर्ट में डालने जा रहा हूं। आए पासियों के, पासियों में अगर ताकत है तो आए और बताएं कि वो हमारे हैं। हम तो कहते हैं कि आज मैंने आज बहराइच जाकर गोंडा जाकर के एक मंदिर क्या रुकवा दिया, उनके पास इतनी ताकत नहीं है। एक लेटर लिख रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं, एसडीएम को लिख रहे हैं, क्यों नहीं बना देते एक मंदिर? बनाओ मंदिर, है ताकत उनके में। मैं चैलेंज करके बोलता हूं बना के दिखा दें, क्योंकि दस्तावेज हमारे हैं, सारे गजेटियर हमारे हैं, सब कुछ हमारा होते हुए आज हम बन बन की ठोकरें खाने के बाद आज हम पिछड़े हैं। हम पिछड़ने का कारण हम खुद नहीं है, हमें पीछे किया गया है। लेकिन इस पर न तो सरकार ध्यान देती है, न कोई इस बनने वाली सरकार ध्यान देती, न हमारे नेता और मंत्री भी ध्यान नहीं देते कि जिनको चाहिए कि अगर एक भाई लड़ता है तो कम से कम उसके साथ आकर के खड़े तो रहे हम। कोई खड़ा होता है क्या? बताइए आप लोग अपने जबान से बोलिए, कोई खड़ा होता है क्या? ये कोई राजनीतिक मंच नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे समाज की बात है, ये मेरे समाज की बात है। आप लोग इसका फैसला आप लोग करेंगे, ये आप लोगों के हाथों में है। भाइयों आज ये बताइए, आज एक छोटा सा काम हमने किया, गोंडा जाके मंदिर मंदिर रुकवाने काम किया, आज उसी गोंडा के मंदिर पर डीएम को उनके वहां के विधायकों ने लेटर दिया, वहां तक कि एक सांसद थी, महिला सांसद थी, उसने इस्तीफा तक दे दिया। सोचने की बात है, और हमारे समाज के एक भी मंत्री गण और एक भी विधायक गण आगे नहीं आते हैं, ये कोई बात है? कैसा चुनते हैं आप लोग, कैसा नेता चुनते हैं आप लोग? लेकिन मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं रात के 12 बजे तक लगातार बोलूंगा, इतना जहर भरा हुआ शरीर के अंदर में कि उसको मैं उगलूंगा ना तो यहाँ आग लग जाएगी मुझे। आप लोग ना, आप लोग तो तालियां बजाएंगे, बाकी लोग उठा के फेंक देंगे, तो मैं वो चीजें नहीं उगलना चाहता हूँ। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारी इस लड़ाई के अंदर में हमारा साथ दें, अगर साथ नहीं दे सकते तो कृपया बुराई भी ना करें, साथ अगर नहीं दे सकते तो बुराई भी ना करें। भाइयों अगर साथ नहीं दे सकते, अगर बोल नहीं सकते तो शांति से चुपचाप बैठे रहिए, आपका भाई लड़ेगा और लड़के दिखाएगा लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। मित्रों ध्यान में रखिए, आज आप लोगों ने मुझे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाया है संगठन का, तो आज हमारे साथ में कई संगठन आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। भाइयों कोई मंत्री और विधायक आपके साथ में नहीं रहेगा, ना कोई आएगा, हमने लड़के देखा है और हमने उस लड़ाई को जारी भी रखा है, लेकिन हमने देखा है कि कोई भी हमारे साथ नहीं आता है। रही बात, अब इसके आगे मैं एक चैप्टर क्लोज करता हूँ, उसके आगे दूसरा चैप्टर लेता हूँ शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा पर आप विशेषकर ध्यान दीजिए कि मैं आज भी गाँव में जाता हूँ, आज भी मैं गाँव में जाता हूँ भाइयों, और आप लोग भी जाते होंगे छुट्टी में, लेकिन मेरी तो छुट्टी हो गई बम्बई से, मैं तो गांव ही रहता हूं। बाबूजी बोल दिए जाओ समाज सेवा करो, तो ठीक है वही करने निकला हूं, उनका आशीर्वाद है कि मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों जब गांव जाता हूं तो सुबह उठता हूं 4 बजे, सुबह उठता हूं और हर गाँव के दरवाजे में पढ़े लिखे लड़कों के घर जाता हूं, उनसे कहता हूं उठो, अरे सोए हो, सड़कों पर दौड़ो, यादव के लड़के आगे निकल रहे हैं, कुर्मी के लड़के आगे निकल रहे हैं, तुम सो रहे हो, अरे उठो। उठते हैं, पढ़ते हैं, और आज सड़कों पे कम से कम 25 लड़के हमारे राजभर समाज के मेरे गांव में दौड़ते हैं। क्या ये काम आप लोग नहीं उनको जगाने का कर सकते हैं? इस तरीके से हम यहाँ पैसा कमाते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, हम यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन गाँव में हमारा समाज जब तक विकसित नहीं होगा, जब तक शिक्षित नहीं होगा, जब तक वह योग्य नौकरी नहीं पाएगा, तब तक हमारा विकास होगा क्या भाई? होगा नहीं होगा ना? तो भाइयों एक बात बताइए, आदरणीय परम पूज्य माननीय स्पीकर साहब आज नहीं है यहाँ पर, लेकिन 2 मिनट में आ रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक स्वागत के लिए मैं कहता हूँ कि उनके लिए भी एक तालियां जरा जोरदार बजा दीजिए स्पीकर साहब, माननीय आदरणीय परम पूज्य श्री सुखदेव राजभर जी के लिए बजाइए भाइयों। आज मैं उनके बारे में कुछ 2 शब्द कहता हूँ कि जो आज तक आप लोगों के बीच में किसी ने नहीं कहा होगा,
आदरणीय महोदय जी ने भी नहीं कहा होगा, मैं 80 के दशक की बात करता हूँ, दिन तारीख मुझे याद नहीं, साल मुझे याद नहीं, लेकिन 85, 84, 86 का दौर है। जब हमारे घर उनकी टीम आती थी, हीरालाल मास्टर जी आते थे और सभी बुजुर्ग आते थे, माननीय तिलोकी जी आते थे, तो उस जमाने में ना मोबाइल थी, ना सोशल मीडिया था, ना कोई जमाना था साहब, कोई जमाना नहीं था। लेकिन हमने देखा था कि जैसे तैसे लोग इकट्ठा होते थे, होने के बाद में जाकर लोगों के घर जाते थे, एक एक गांव गांव गली, चाहे वो कल्याण डोंबिवली में रहने वाला हो, या नासिक में रहने वाला हो, या भिवंडी में रहने वाला हो, या तो भाईंदर में रहने वाला हो, या वसई विरार में, या पालघर में रहने वाला, एक भी राजभर उस समय साहब ने छोड़ा नहीं था कि जिसके घर ये सभी टीम के सदस्य वहां नहीं गए थे। भाइयों, आप लोग जानते इस बात को, बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, उसमें रामाचल जी का भी नाम है, आदरणीय परम, और टीम ने जो काम किया है लोगों को जोड़ने का, आज हम जो इतने लोग इतनी संख्या में जुटे हैं, आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम चले आ रहे हैं, और उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और समय कम है, और अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सुहेलदेव कहते हैं, जय सुहेलदेव। अब आपके समक्ष हमारे प्रमुख अतिथि श्री सुखदेव राजभर जी, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से पधारे हैं, कृपया उनके स्वागत में जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। अब उनका सुखदेव राजभर जी हमारे माननीय पूर्व विधानसभा जी अध्यक्ष पधार चुके हैं, उनके स्वागत में जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। स्वागत, स्वागत, स्वागत। अब उनसे आते आते ही निवेदन है कि सरस्वती जी की वंदना के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव जी को माल्य अर्पण करके अब तक इस कार्य को पूर्ण किया। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर शुरू होने हो रही है। आरती तुम्हारी
शुक्ला जी, सुनील राय जी, ये सभी से निवेदन है कि वे मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो थोड़ा सा टाकी का आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो अब हाँ बुला रहा हूँ एक कौन हो संचालक पर्सन जी से निवेदन है, पर्सन राजभर जी से निवेदन है कि मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। इस कार्यक्रम में हमारी दो बच्चियां रह गई थी, थोड़ा समय लेट होने पर आई थी, कृपया मंच पर पधारे। अलीशा गुड्डू राजभर, आशिका अलीशा राजभर, आशिका गुड्डू राजभर। एक स्वागत गीत। हेलो बलराम राजभर जी, हेलो। संचालक महोदय से मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत ही राजभर जी से निवेदन है कि मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही करीबी हमारे बलराम राजभर जी बसने वाले हमारे राजभर बिरादरी को एक नई पहचान देने वाले। थोड़ा सा दो मिनट के लिए मैं अपने भैया के लिए स्पीकर मास्टर जी कृपया मंच पर पधारें। सुखदेव भैया बलराम राज बोला, दो मिनट के लिए भैया के लिए एक गीत गाना चाहता हूं। गांव में तो भैया का बहुत प्रचार गौली चालू है। चालू हेलो 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 यहाँ पे उपस्थित बालाजी मैदान में राजभर समाज के दूर दराज से मुंबई उपनगर से आए हुए सभी समस्त राजभर भाइयों माताओं बहनों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत किया जाता है। हमारे मुख्य अतिथि जो प्रमुख अतिथि है उत्तर प्रदेश से आए हुए लगातार 20 सालों तक उत्तर प्रदेश के सरकार में प्रतिनिधित्व करते हुए 2007 में सर्वोच्च विधानसभा का जो पद था हमारे राजभर इतिहास के माननीय दूधनाथ जी के बाद अगर कोई राजभर समाज में विधायक बना मंत्री बना तो हमारे बड़े भैया श्री सुखदेव राजभर जी आपके बीच में बहुत सालों के बाद मुंबई की धरती पे आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय जो कि आज रविदास जयंती है कम से कम जहां तक मेरी उम्मीद है कि कम से कम 15 कार्यक्रमों को छोड़ करके आप लोगों के बीच में इन्होंने जो समय अमूल्य समय दिया है उसके लिए हम पूरी संस्था राजभर समाज सेवा संघ की तरफ से इनका अभिनंदन करते हैं। और एक कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारकेश्वर राय जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का संचालन शुरू कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई आप सभी दूर दराज जितनी भी मुंबई उपनगर और भी जो कल्याण से लेकर और भी आगे आपका नागपुर पुणे रोहा सूरत से लेके बोईसर पालघर तमाम जिलों से आए हुए हमारे राजभर भाइयों का
हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम इजाजत देते हैं। धन्यवाद। हेलो 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 थोड़ा बना रहा।